हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और टिंडे की सूखी सब्जी की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए हम बनाते हैं आलू और टिंडे की सब्जी। ये मैंने गैस पे सरसों का तेल गरम कर लिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता और इसके साथ ही आधा चम्मच मैंने डाला है जीरा। जीरा को हम हल्का सा चटक जाने देते हैं। जीरा हमारा हल्का सा चटक गया तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो एक मैंने छोटी साइज की प्याज काटी थी और तीन मैंने काटी हैं हरी मिर्च। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ लहसुन। तो ये लहसुन मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, 10 से 11 कलियाँ मैंने लहसुन की काटी थी। सारी चीज़ों को हम भून लेते हैं। अब ये प्याज हमारी आधी लगभग भून चुकी हैं, देखिए फ्राई हो गई हैं। तो अब इसके साथ हम डालते हैं टमाटर। अब टमाटरों को हम प्याज के साथ अच्छे से पकाएंगे। टमाटर हमारे जल्दी पक गए इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, क्योंकि नमक डालने से टमाटर जो होता है अच्छे से गल जाता है और अच्छे से इसका मसाला फ्राई हो जाता है। प्याज टमाटर का जो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, तो अब इसमें ऐड करते हैं मसाले। तो मसालों में मैंने लिया 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून मैंने लिया लाल मिर्ची का पाउडर और 1/4 स्पून मैंने लिया कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। इससे क्या होता है कि सब्ज़ी का जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा आता है। और 1 स्पून मैंने लिया धनिया पाउडर। और सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पका लेना है। गैस का जो फ्लेम है हमें रखना है मीडियम फ्लेम पे, नहीं तो जो हमारे मसाले नीचे लग सकते हैं। मसाला जो है देखिए हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका तेल रिलीज कर दिया। तो अब इसमें हम डालते हैं टिंडे और आलू। आज मैं बना रही हूँ आलू और टिंडे की सब्ज़ी। तो ये आलू, 2 मैंने आलू काट लिए थे और ये 250 ग्राम टिंडे हैं। इनको छील के ना मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब मसाले के साथ इनको मिला देते हैं। गैस का जो फ्लेम है वो हमें लो और मीडियम फ्लेम पे रखना है। तो सारे मसालों को टिंडे और आलू के साथ हम मिला देते हैं। ये मसाले के साथ मैंने सब्जी को देखे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब क्या करना, हमें इस सब्जी को ढक के पकाना। अगर आप पानी डालना चाहते हो तो इसमें पानी डाल सकते हो, अदरवाइज सूखी, बिल्कुल सूखी सब्जी बनाना चाहते हो तो आप पानी बिल्कुल भी मत डालना। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना और इसको ढक के पकाना। मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें आलू डाले हैं तो थोड़ा आलू जो अच्छे से गल जाएंगे। तो ये मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और इसको अब ढक के पकाते हैं। ये सब्जी को मैंने अच्छे से ढक दिया है और गैस का फ्लेम कर दिया है मैंने मीडियम। बीच में हमें सब्जी को एक बार संभाल लेना है, सब्जी में एक बार हमें चमचा चला देना है ताकि हमारी सब्जी नीचे लगे ना, और दोबारा से इसको हम ढक कर ही पकाएंगे। ये हमारी आलू और टिंडे की सब्जी पक कर बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए एक बार हम इसको फोड़ कर देख ले के पक चुके हैं, नहीं तो अच्छे से ये पक गई है। तो अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये मैंने डाल दिया है हरा धनिया और ये बहुत ही टेस्टी सी हमारी सब्जी बनी है। तो आप भी इस तरीके से सब्जी बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी सूखी सब्जी पैक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ये मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।